नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। उत्तर पश्चिमी दिल्ली का रानीबाग इलाका, हालांकि रानीबाग क्षेत्र में समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन यहां की मुख्य समस्या वाहन पार्किंग का नहीं होना है। पार्किंग नहीं होने से यहां के दुकानदारों व व्यापारियों के साथ ही मार्केट में खरीदारी करने के लिए आने वाले ग्राहकों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रानीबाग वार्ड के आम आदमी पार्टी नेता रविंदर गोगिया और पिंकी बताते हैं कि रानीबाग से निगम में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जीत होने के पहले प्रयास में पार्किंग निर्माण का टेंडर निकालकर उस पर तत्काल कार्य शुरू करवाया जाएगा, जैसा कि दिल्ली सरकार में मंत्री और स्थानीय आम आदमी पार्टी विधायक सत्येंद्र जैन बता चुके हैं। देखिए उनका पूरा साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और अभी मैं मौजूद हूँ रानीबाग वार्ड में और हमारे साथ बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता रविंदर गोगिया पिंकी जी। पिंकी जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। पिंकी जी, रानीबाग निगम में लेकर आपके नाम को लेकर चर्चा हो रही है। किस बारे में? चुनाव को लेकर। सेवा कर सकूं, तो मैं उस सेवा से कुछ नहीं। समस्याएं क्या क्या है रानीबाग? देखो, ऐसा ना, समस्याएं तो अभी बहुत हैं। जो समस्याएं हैं रानीबाग वार्ड के अंदर, मेन वार्ड समस्या तो है पार्किंग की है, जो कि रानीबाग बाजार जो है पार्किंग की उसे निपटने में दिक्कत आ रही है। मार्केट के अंदर लोग आते हैं लेकिन गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, और ये पार्किंग वाला जो विषय है, ये हमारे संतरागढ़ चौक में जो पार्किंग एमसीडी की बनी है वो काफ़ी समय से लंबा खिसका जा रहा है, लटका जा रहा है। कोशिश करेंगे उसको जितनी जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे ताकि रानीबाग व्यापार मंडल को दिक्कत ना आए। पार्टी स्तर के अलावा देखिए, तैयारी करने की बात है तो हमारे जो केजरीवाल जी हैं या सुंदर जैन जी हैं, उनके जो चुनाव लड़ने का तरीका या काम करने का तरीका तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से वो अपने जो PWD की है या दिल्ली विधानसभा के अंदर जो कार्य हैं बड़े सुचारू रूप से कर रहे हैं। चाहे मेडिकल लाइन में चले जाओ, एजुकेशन लाइन में चले जाओ, चाहे आप इस टाइम तो आप PWD के रोड को ही देख लो, ऐसे सुंदर बनाते जा रहे हैं। आपने देखा कि ये सामने हमारा ये तिरंगा झंडा लहरा रहा है, ताकि वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम देश से प्यार भी कितना करते हैं। अगर हम बात करें रानीबाग वार्ड में जो क्या क्या काम चल रहे हैं, मंत्री सत्येंद्र जी क्या क्या विकास कार्य करवा पाए अभी तक? मैंने आपको बताया ना कि अभी आपके सामने ये दो मोहल्ला क्लिनिक चालू हुए हैं, देखे हैं आपने, आपने उसमें आप दिखाया था आपको उस दिन, मैंने तो आपने ये देखा कि तिरंगा झंडा आपके सामने लहरा रहा है। आप ये देखिए कि रोड नंबर 43 जो है इतनी सुंदर रूप से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये देख लो कि हर चीज के अंदर जो है ना वो खुद इतने पूर्ण रूप से होके लेने के बाद में इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई सारा का सारा जो है ना काम बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल पर आपकी सरकार पर लगातार दिल्ली के साथ धोखा करने का आरोप विपक्ष लगाता रहा है। विपक्ष का काम तो देखो भी ऐसा है कि इल्जाम लगाना ही है। आप ये बताइए कि क्या आप नहीं समझते कि भाई मेडिकल लाइन के अंदर या एजुकेशन लाइन के अंदर या हर लाइन के अंदर आप देख लीजिए, बिजली के अंदर, पानी के अंदर, सीवरेज के अंदर जो है कि आप पूर्ण रूप से सुधार हुआ है, लेकिन अपोजिशन का काम है गलतियां निकालना, वो तो निकालेंगे। भाजपा की केंद्र सरकार 100 करोड़ वैक्सीन को लेकर जश्न मना रही है, कैसे देखती है हमारी पार्टी? अच्छी बात है जश्न मनाए, मैं तो कहता हूँ कि ये एक जश्न एक बार और मनाए ताकि जो 100 करोड़ हो रहा है 200 करोड़ हो जाए, ताकि हमारे देश के हर नागरिक को ये वैक्सीन लग जानी चाहिए। मैं तो बल्कि अगर ऐसा कोई काम मोदी जी ने किया तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और केजरीवाल जी तो ये सारे काम करते हैं लेकिन अपने वो कभी सुनाते नहीं है, रागड़ी नहीं गाते। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता रविंदर गोगिया पिंकी जी। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।